रवि, देसी दारू के काले धंधे को बंद करने के लिए सरकार ने पूरे गुजरात में, क्या सच में कोई धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है? सच में, लेकिन जब तक उससे किसी का बुरा ना हो, समझा? ये इसने लूटा हमारा माल। और इतनी बड़ी छला, कैसे बचे विक्रम और उनका पोता? कौन है आखिर इस खेल का असली मास्टरमाइंड? जानेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेस वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बोरगैट स्टूडियोज। दोस्तों, पहले पार्ट में हमने देखा कि कमल हासन एक स्पेशल एजेंट के किरदार में हमें दिखाई दिए और उन्होंने ना एक मास्क वाले सीरियल किलर्स के गैंग को पकड़ने के लिए अपना पूरा जोर लगाया। वो कुछ क्लूज की मदद से पहुंच जाते हैं एक बहुत बड़े ड्रग डीलर तक जो कि चेन्नई का राजा है। इस बार सूर्या ही रोल प्ले करेंगे रोलेक्स का, उन्हें विलन के किरदार में देखा जा सकता है। दोस्तों, फिल्म में विजय का रोल इस बार भी नरेन को ही मिलेगा। एसीपी प्रबंधन के रोल में होंगे कालिदास जयराम और उनकी बीवी का किरदार निभाएंगी स्वास्तिका। फिल्म में दिल्ली का रोल प्ले करेंगे कार्तिक। विक्रम जो कि गो स्क्वाड का लीडर है, उसने ड्रग माफिया को सिर्फ अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए ही नहीं मारा, बल्कि वो इंडिया से ना ड्रग्स का नामो निशान ही मिटा देना चाहता है। शुरुआत से ही हमें पता चलता है कि विक्रम की बस एक ही कमजोरी है, वो है उसका पोता जिसका नाम भी विक्रम है और वो अपनी माँ के साथ रहता है। साथ ही विक्रम की गो स्क्वाड के ज्यादातर लोग अब जिंदा नहीं है, इसलिए वो एक नई गो स्क्वाड बनाना चाहता है, जिसके लिए वो लोगों को ना अप्रोच करता है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, लेकिन वो एक स्क्वाड बनाकर तैयार कर लेता है। तभी यूएस से खबर आती है कि विक्रम के पोते और बहू को किसी ने किडनैप कर लिया है। वो कोई और नहीं बल्कि रोलेक्स ही था। विक्रम रोलेक्स को ढूंढ लेता है और अपने पोते और बहू दोनों को ही बचा लेता है, लेकिन सब परफेक्ट हो जाएगा तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि विक्रम की बहू रोलेक्स के साथ मिली हुई है और उसने प्रबंधन को मारने के लिए ही उससे शादी की थी। अब कार ब्लास्ट में विक्रम और उसका पोता मर चुके हैं। इंडिया में इंस्पेक्टर विजय को भी मारा जा चुका है उसी के साथियों के थ्रू। गो स्क्वाड के जो नए मेंबर्स थे वो भी रोलेक्स के ही आदमी थे और उन्होंने ही विजय को मार दिया। अब दिल्ली को मारने के लिए भी रंगा और बिल्ला उत्तर प्रदेश जाते हैं, लेकिन गलती से ना उसकी बेटी मर जाती है। इंस्पेक्टर अमर दिल्ली को बचा लेता है। वहीं दूसरी ओर यूएसए में रह रही विक्रम की बहू अपने बेटे को एक कार में जाता देखती है और शॉक हो जाती है। जल्दी में वो अकेले ही ना उस कार का पीछा करने निकल जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि विक्रम जूनियर एक घर के बाहर खड़ा है और उसमें से निकलता है विक्रम खुद। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ? आखिर यही तो है ट्विस्ट। हुआ यूं था कि जिस दिन वो अपनी बहू और बेटे की फोटो दिखा दिखा कर रोलेक्स का पता पूछ रहा था, तभी एक आदमी ने बताया कि रोलेक्स इस लड़की को क्यों किडनैप करेगा, ये तो उसकी बीवी है। और तभी विक्रम के सामने सारा सच आ गया। फिर क्या था, अपनी बहू के निकलने से पहले ही वो अपने पोते को लेकर निकल गया था और अंदर डमीज को रख दिया था। साथ ही वो ये भी समझ गया था कि उसके बेटे की मौत का असली कारण यही लड़की है। तभी से विक्रम ने सोच लिया कि वो रोलेक्स और उसकी बीवी दोनों से ही बदला लेगा। इसी बीच विक्रम को विजय के मारे जाने की खबर भी आ गई, जिसने उसके गुस्से को और हवा दी और उसने उस जंगल में ऐसा ट्रैप तैयार कर लिया जिससे कोई बच ही नहीं सकता। अब कहानी में आगे इस तरह विक्रम अपना बदला लेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें, और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। नमस्कार।